हेलो एवरीवन, वेलकम टू इज ज्ञान। तो यहाँ आम सेकेंड क्लास हम ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आम सीरीज रो। तो ये आम मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कशन करुचे। एंड लास्ट क्लास जमी आम लास्ट को आपण को पाँच दसटा क्वेश्चन दे तो ये क्लास भी से सीरीजटा कंटिन्यू हम। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपण को हाउ डू यू लाइक दिस न्यू अप्रोच एंड आम ये कंटिन्यू करवा कि नाई। ओके, तो सो लेट स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी, इन्सुलेशन हीट्स अप द लैंड मासेस मोर क्विकली दैन द वाटर बॉडीज, व्हाई? इन्सुलेशन माने कौन? आम इन्सुलेशन माने हेला इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ओके, तो आम जनरली आम जानचे कि लैंड रो जो सरफेस थाए आ वाटर सरफेस था, तो लैंड सरफेस कौन थाए? मोस्टली डार्कर इन कलर थाए एंड ओपैक थाए। आ वाटरटा कौन? ट्रांसपेरेंट थाए यूजुअली एज कंपेयर टू लैंड। तो जनरली आम जानचे डार्कर कलर थाए से कौन हुए? बेसी हिट को अब्जर्व करे और वो जल्दी भी हिट को अब्जर्व कर दिए। तो यहाँ कौन हम आंसर? बिकज वाटर नीड्स मोर एनर्जी टू गेट वन, बिकज इतने लैंड रो सरफेस रे हमर हीट फॉल हुए तो लैंड हेला बहुत जल्दी हीट अप हो जाए और बहुत जल्दी कूल भी हो जाए। बट वाटर को एट द सेम टाइम ताको हीट अप हवारे भी टाइम लगे एंड कूल हवे टाइम लगे, बिकज वाटर नीड्स मोर एनर्जी। ठीक अच्छे, तो जब हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को, द सन रीचेस इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर केबे। आमर सन हेला इक्वेटर कंपेरिजन ने मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस केबे रीच करे? तो एटा आमर हबा आंसर कौन? सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस कौन? मु आपन को कहिथिली आमर गोटे अछि समर आ गोटे हेला विंटर सॉल्स्टिस। ओके, द सॉल्स्टिस माने कौन? जनरली कौन आम जानी कि आम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दुटा पार्ट अच्छी। तो सॉल्स्टिस माने हेला जिते बड़े नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे, ओके, समर सीजन रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन हम? पूरा सन रो ओवर हेड प्रेजेंट थी। ओके, एंड से टाइम रे मैक्सिमम हीट से रेडिएट करे। सो ये मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर रु मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस माने एमती ओवर हेड रही दरकार तो मैक्सिमम हम ना 90 डिग्री हम बुझीपाई का यहाँ है सॉल्स्टिस रे ही हम। ठीक अच्छे, देन इफ द अर्थ डिरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड व्हाट विल बी द IST व्हेन इट इज नोन एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। ये देखो ये क्वेश्चन टा बहुत इंपॉर्टेंट। आमर अर्थ रो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कौन थाए? जनरली आमर एंटी क्लॉकवाइज थाए। ओके, एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट थाए। एठी लेके छि कोन रे रोटेशन को रिवर्स कर देबा। ओके, जे जे ताको चेंज कर देबा, ऑपोजिट कर देबा, ताहले कौन हबो? नून। नून आमर केते 12 PM आम जानते आम नून के 12 PM हबो। तो आमर गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी ये सब क्वेश्चन इंटरनेशनल डेट लाइन आपन को पचार तो यार डिफरेन्स टा सब मन रखी थे। इट इज 5 hours 30 minutes। ठीक अच्छे, तो ये डिफरेन्स टा सब मन रखी था। इट इज 5 hours 30 minutes। तो ये जेहेतु देखिए आम रिवर्स हो जाए ता मैंने आम कौन 12 रु आम पछक जावा 5 hours 30 minutes पछक जावा ता मैंने के 6:30। तो बुझिले समस्त एटा? तो ए आंसर टा हबा हमरा 6:30 hours रे। ठीक अछि, 6:30 AM मोस्टली। ओके, और बुझि पर्थबे आवर्स माने एटा AM ही इंडिकेट करछि। तो जिबा हमरा नेक्स्ट स्लाइड को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, तो इंटरनेशनल डेट लाइन आम कौन था? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक अच्छे,
चलतु बुझा इंटरनेशनल डेट लाइन कौन तो आम जाने आमर गोटे दीटा कनसेप्ट अच्छी लैटिट्यूड आउ लॉन्गिट्यूड. ओके लैटिट्यूड आम टोटल के 181 टा लैटिट्यूड अच्छे ठीक अच्छे और लॉन्गिट्यूड आम के टोटल 360. ओके आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा है आम जो लैटिट्यूड अच्छे. ओके लैटिट्यूड आम ईस्ट वेस्ट रन करती तार जो मैंने डिस्टेंस था ना 111 किलोमीटर थाए आउ ए डिस्टेंस टा सबुठे सेम ही थाए. ओके लैटिट्यूड केस रे ए डिस्टेंस टा हमर सबुठे सेम ही थाए बट लॉन्गिट्यूड रे कौन हुए हमर इक्वेटर रे 111 थिबो बिकॉज़ हम अपन जान चंती एटा मु इरेज कर दो छी. ठीक अछि देखंतु एउडा कहला लॉन्गिट्यूड सबु तो लॉन्गिट्यूड कौन होची इक्वेटर पाखरे अपन देखु चंती एठी ला बल्ज है कि अछि बट एज वी गो टुवर्ड्स द पोल एटा कोन नैरो हे ही जाउची सेत पैं का यार इक्वेटर पाखरे त 111 किलोमीटर थिबो बट एठी गला लोग सेटा जीरो हे जीवो बुझ पले. आ हमरा लॉन्गिट्यूड रे दीटा कांसेप्ट अछि गोटे अछि हमरा 0 डिग्री आ गोटे अछि हमरा 180 डिग्री त हम जे 0 डिग्री अछि ताकु हा जे प्राइम मेरिडियन. ओके एटा जो अच्छे हमर ताको हमर कहा जाए प्राइम मेरेडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ना ताको स्टैंडर्ड मेरेडियन भी कहा जाए और जो हमर 180 डिग्री अच्छे ठीक अच्छे एटा जो अच्छे ना हमर ताको कहा जाए इंटरनेशनल डेट लाइन. तो बस आप टर्म टा ही मन रखि थांतु ए ए दीटा टर्म को मन रखि थांतु तो एक्चुअली ये दुटा लॉन्गिट्यूड ही 0 डिग्री एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक अच्छे जीवा आम नेक्स्ट स्लाइड को देन विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ ए क्वेश्चन आप समस्त आंसर करूँ दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन तो को स्टार टा अर्थ रु नियर प्रेजेंट थाए तो आम जानचे जो सब प्लैनेट्स अच्छे मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरानस और नेपच्यून हमारे 7 प्लैनेट्स अच्छे तो ये सब कहाँ अराउंड रिवॉल्व करे सब सन अराउंड रिवॉल्व करे ये कि विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ तो यहाँ आमर हम सन. ठीक अच्छे जदि आप पचार था विच स्टार इज नियरेस्ट टू द सोलर सिस्टम ताल आप कौन करते प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ओके एटा नियरेस्ट टू द सोलर सिस्टम फर्स्ट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी देन आसब अल्फा सेंचुरी ए ब्लू बॉक्स टा देखंतु सन विच इज ऑल्सो अ स्टार इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. ओके हमें जान ले एंड बिसाइड सन प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम एंड द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ और सन र डिस्टेंस केते थाए आम अर्थ रु 93 मिलियन माइल्स. ओके सो आप इमेजिन कर हाउ फार इज इट. ओके सो दिस इज द आंसर. देन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ कोठे मैक्सिमम थाए. ओके तो आप अर्थ रोटेशन जो स्पीड थाए अर्थ को गोटे रोटेशन कंप्लीट कराइप कितने टाइम लगे जानचे आमर गोटे डे लगे मैंने 24 आवर्स लगे तो ये देखिए हमर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मैक्सिमम कोठी थाए तो ये आप समझ जान पारे इक्वेटर पाखे मैक्सिमम थाए ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन बुक रु. ठीक अच्छे आपण यहाँ का लूसेंट भी रेफर करेंगे या फिर तरुण गोयल आइदर और दुटा करूनी बट तरुण गोयल आई थिंक टी बेस पॉइंट वाइज दे सो इट्स बेटर इफ यू रेफर दैट तो ये सब डायरेक्ट दे पूरा से. ठीक अच्छे द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ आम मैंने कौटी हाइएस्ट थाए आम जान ले इक्वेटर आउ पोल रहला बिल्कुल 0 थाए बिकॉज़ हम इक्वेटर रु पोल को गला को हमर स्पीड टा सब बड़े डिक्रीज कर जाए. ठीक अच्छे एबे जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ओइंग टू द इक्वेटोरियल बल्ज एंड द पोलर फ्लैटनिंग The polar radius of the earth, it falls short of the equatorial radius by kete kilometer. So, eta apan just man rakhi debe 22 kilometer. Thik achi, amara equatorial radius or polar radius bhitare jo distance ra rahiba,
सेटा हला हमर डिफरेंस टे रहबा सर सब बेला हमर 22 किलोमीटर रहबा ओके ते इथरे बोथे एक्सप्लेन करे दरकार पड़िबो ने किछि देन देखंतु लैटिट्यूड एंड लोंगिट्यूड ठीक अछि तो लैटिट्यूड एंड लोंगिट्यूड कौन एट यार आंसर कौन हम कहतु कमेंट भी कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन तो यार आंसर हम आमर दे रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर वी नो दिस ऑलरेडी ठीक अच्छे ये आमर अर्थ है ओके या तो ये आम इक्वेटर है ये आम लैटिट्यूडनल लाइन्स है एटा आमर लॉन्गिट्यूड है तो ये जो पॉइंट अच्छी तंकर हाँ ये जो पॉइंट अच्छी ओके तो ये आमर के 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो तो ये कौन हम रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन जीबा नेक्स्ट स्लाइड को ऑन द 21st जून द डे लाइट इज सीन एट द नॉर्थ पोल फॉर कितने टाइम ओके 21st जून ये आम सॉल्स्टिस रा क्वेश्चन टा ठीक अच्छे 21st जून मैंने आम कौन ये आम समर सॉल्स्टिस हम ठीक अच्छे 21st जून आम समर सॉल्स्टिस हम तो ये है डे लाइट इज सीन एट द नॉर्थ पोल कितने टाइम पाई का तो ये आम आंसर हम 24 आवर्स पाई का तो आप एक्सप्लेनेशन देखते तो 21st जून रे कौन हुए सन है ओवरहेड देखा जाए बिकज मु माने कहे छे रिपीटेडली कि सॉल्स्टिस रे हमर सब बेले ओवरहेड देखा जीवा सन ओके इयरली टू टाइम्स ओके इठे ला सन कैन बी सीन स्ट्रेट ओवरहेड अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हाइल द नॉर्थ पोल रीचेस इट्स मैक्सिमम एनुअल टिल्ट ओके टुवर्ड्स द सन ठीक अछि बुझिले एज द प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस The areas within the Arctic Circle, they see the sun through the sky for 24 hours. तो बुझले तो ये आंसर हबो कौन 24 hours ठीक अच्छे ये सब जो डेट वाला क्वेश्चन अच्छे कि मैंने डेट है गला कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है गला एंगल्स है गला तो ये जनरली हमर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम से एक्सप्लेनेशन पचारे नहीं जस्ट तार मैंने फैक्चुअल जिनसे पचारे ओके देन विच ऑफ दिस इज द लॉन्गेस्ट ये चार्टा जो देखिए 0 डिग्री मेरेडियन 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट 90 डिग्री ईस्ट ये जो तीनटा देखिए या भितर सबठ लॉन्गेस्ट कोटा मुझे आपको कही 0 डिग्री मेरेडियन को आउ कौन कह जाए स्टैंडर्ड मेरेडियन भी कह जाए ठीक अच्छे तो 0 डिग्री मेरेडियन 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट 0 डिग्री मेरेडियन को हमारा स्टैंडर्ड मेरेडियन भी कहा जाए या भी तो देखिए कोटा है सब लॉन्गेस्ट तो आंसर हम कौन ऑल ऑफ दीज आर इक्वल ठीक अच्छे तो ज्योग्राफी रहती क्वेश्चन थिला देन जी आमर पॉलिटी किसी क्वेश्चन हमें डिस्कशन करवा तेरे देखंतु हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमिशन द इलेक्शन कमिशन आमर अपॉइंटमेंट के करंते हम सब जानचंती एटा हला हमरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमरा अपॉइंट करंती और इलेक्शन कमिशन पे का आर्टिकल टा मन रखिवे 324 ओके और टोटल मेंबर के जण अछंती आरा चार जन मेंबर्स और ये जो इलेक्शन कमिश्नर कमिशन अच्छी एटा हला हमर लाइक सेंटर रे जहाँ भी इलेक्शन हम ताकू देखिबो इदे हम सब स्टेट लेवल रे हला कि विलेज लेवल रे इलेक्शन हला सेटा ए इलेक्शन कमिशन देखिबनी सेटा हला हमर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर देखिबो जेटा कि हमर गवर्नर हेड करिवे ओके इदे हमर विलेज जदि आमर विलेज या फिर स्टेट लेवल रे हला तो एटा के देखिबे आमर गवर्नर आ एटा हला आमर कहा अंडर रे आसी जिबा पंचायती
राज सिस्टम ठीक अच्छे यदि आम सेंटर रहेला तो इलेक्शन कमिशन देखिबे ऑब्वियसली आ जब स्टेट रहेला तो सर आम गवर्नर देखिबे ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीशन स्टेटेड दैट द डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स तो ये जो चार्टा देची केसेस या भीतर को केसेस सुप्रीम कोर्ट कहिथिला कि आम जो डीपीएसपी अछि से जदि आम फंडामेंटल राइट्स आउ डीपीएसपी भितर किछि भी कॉन्फ्लिक्ट हेला सब बेले कोर्ट प्रिवेल करिबो एज यूजुअल सब बेले फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करिबो ओके तो एटा आम को केस रे कहिथिला एटा आम स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन केस रे कहिथिला ठीक अछि बिकज केशवानंद भारती आपण जानचंती एटा हला प्रीएम्बल रिलेटेड थिला ओके तो एटा दा आंसर हबनी तो आंसर हला नंबर 1 ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हला नेशनल इमरजेंसी आमर को आर्टिकल अंडर रे डिक्लेअर होची तो आम जानचे आम जो इमरजेंसी अच्छी तापर तीन टा आर्टिकल अच्छी कौन कौन अच्छी देखा सब तो लास्ट हला 360 ओके तापरे हला 356 तापरे 352 ये मन रखा डिफिकल्ट हो देखदेवे यहाँ ओके 4-4 डिफरेंस अच्छी ठीक अच्छे सो यू कैन इजिली रिमेम्बर इट तो ये आम जो फर्स्ट अच्छी 352 ताकू आम कौन कह जाए नेशनल इमरजेंसी ओके 356 को आम कौन कह जाए प्रेसिडेंट्स रूल ओके एंड द लास्ट अच्छी 360 ताकू कौन कह जाए आम फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके तो आर्टिकल 352 आमर नेशनल इमरजेंसी 356 आमर प्रेसिडेंट्स रूल और 360 है आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक अच्छे तापर ये तो आंसर ये कौन हो 352 तो जीबा नेक्स्ट स्लाइड को द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ये अपन देखु ये जो इमरजेंसी तीन टा आर्टिकल अच्छी ना तो यहाँ हला एक्सेप्ट प्रेसिडेंट आउ कहा पाखरे भी प्रिविलेज नहीं कि से मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट करें ओके तो यहाँ हला ओनली प्रेसिडेंट ओके तो ये कौन हम इश्यूड बाय हु विच ऑफ द फॉलोइंग तो ये आंसर वेरी इजी तो यहाँ हला प्रेसिडेंट हो कहा मैंने केस रे भी आमर इमरजेंसी आर्टिकल्स इम्प्लीमेंट करी हबन इवन गवर्नर का केस रे भी गवर्नर जदि भी स्टेट रा हेड बोली कहुए जमती कि आम स्टेट रा नॉमिनल हेड जमती कि आम प्रेसिडेंट सेंटर रा नॉमिनल हेड बट फिर भी गवर्नर भी इम्प्लीमेंट करें सो इट विल ओनली बी इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट देन जीबा In real sense, the governor of the state is appointed by the president on advice of who of the following? तो एटा देखिबा जितेबेले गवर्नर को अपॉइंट करंती कि आमे सब जानचंती गवर्नर को हमरा प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती ठीक अछि तो कहा एडवाइस से अपॉइंट करंती एटा हला हमरा चीफ मिनिस्टर ओके द गवर्नर को आम प्रेसिडेंट अपॉइंट करती ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ठीक अच्छे आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा गवर्नर का गवर्नर शुड नॉट बी अ सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ओके गवर्नर हला शुड नॉट बी ऑफ दैट स्टेट ठीक अच्छे आउ एटा जनरली कौन पाई करा जे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करया पाई का ओके आउ गवर्नर का हमें देखिबा गवर्नर का सैलरी एटा भी गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सैलरी तंकर कोर्ट आसे इम्पोर्टेंट मार्क करिबे गवर्नर का सैलरी हमर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट रु आसे ओके ठीक अच्छे तो गवर्नर का सैलरी हमर स्टेट फंड रु आसे आ गवर्नर का पेंशन विषय हैला
জেনারেলি আমার যে কনস্টিটিউশন আছে সেটি হল গভর্নর পেনশন বিষয়ে কিছু সেমি মেনশন হয়নি ওকে আউ গোটে কোয়েশ্চন হল কি আউ কাহার স্টেট ফান্ড রু স্যালারি আসে আমি দেখিবা তো এইটা কোণ হব ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି ହଁ ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କର ଆସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ସାଲାରୀ ଆଉ କାହାର ଆସେ ଆଉ ଆସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କର ସାଲାରୀ ଆସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଓକେ ଏଠି ହେଲା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥାଏ ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଥିବ ନା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜେନେରାଲି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରାଏ ସୋ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ରିଡ୍ ଇଟ୍ କେୟାରଫୁଲି ଓକେ ତ ୟାଙ୍କ ସାଲାରୀ କେଉଁଠୁ ଆସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆସେ ଓକେ ଆଉ ୟାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଠି କ'ଣ ଇନ୍ ରିଅଲ୍ ସେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କିଏ କରିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓକେ ତ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି 153ରୁ ନେଇକି 167 ଜାଗାରେ ଓକେ 153ଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି କି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ରହିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ମତଲବ ସେଭେନ୍ଥ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଓକେ ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏହା ଥିଲା କି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ରହିପାରିବ ବଟ୍ ଏଇ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପାଇଁକା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହା କ'ଣ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓକେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମ ଯଦି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟା ଫିର୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ପାଇଁକା ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନହେଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଓକେ ସୋ ୟେସ୍ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଏତିକି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 10ଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପଲିଟି ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମିକ୍ସ ହେଇକି ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟଲି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ ଚିଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ So attempt this and comment your score down in the comment section below. Thank you and all the best.